मिडिल ईस्ट इस समय सबसे उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह के खात्मे और दक्षिणी लेबनान में इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद मंगलवार को आधी रात को ईरान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी। ईरान का दावा है कि उन्होंने इसराइल पर 180 मिसाइलें दागी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इसराइल ने इतने बड़े हमले को कैसे नाकाम किया और जमीनी स्तर पर कितना नुकसान हुआ, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल ईरान का ये हमला काफी स्ट्रेटजिक था। ईरान ने तेल अवीव में इसराइल के 3 मिलिट्री बेस और खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाकर मिसाइलें दाग दी थी। इसराइल ने तेल नोफ और नेवा टीम इजरायली सेना IDF के सबसे एडवांस मिलिट्री बेस है। सेटेलाइट फुटेज से पता चलता है कि नेवा टीम पर कुछ ही मिसाइल जाकर गिरी थी। इस हमले में ईरान के फतह मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। ईरान के इस हमले में एक शख्स की मौत हुई है और IDF का एक सैनिक गंभीर रूप से घायल भी हुआ। घायल सैनिक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसराइल के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में इस हमले का थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिला है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल का कहना है कि इस हमले में वो इसराइल में हुई किसी की मौत की जानकारी से वाकिफ नहीं है। तो वहीं IRGC का कहना है कि उसकी ओर से दागी गई 90% मिसाइलें टारगेट पर जाकर गिरी थी, जबकि इजरायली सेना का कहना है कि ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों में से अधिकतर को इंटरसेप्ट कर लिया गया। ईरान के हमले मुख्य तौर पर जेरूसलम और तेल अवीव को निशाना बनाकर किए गए थे। इन हमलों के बीच रात भर इसराइल में सायरन बजते रहे। तेल अवीव में सायरन बजते ही लोगों को जहां मौका मिला वहां शरण लेते दिखाई दिए। सायरन बजते ही तेल अवीव में एक ब्रिज के नीचे इजरायली नागरिकों ने शरण ले ली। इसराइल में जगह जगह पर बॉम्ब शेल्टर्स और बंकर्स बने हुए हैं जहां बड़े पैमाने पर लोगों ने शरण ली। ईरान का कहना है कि अगर इसराइल इस हमले का जवाब देता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस बीच ईरान ने कई फ्लाइट्स रद्द कर दी है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इसराइल में मौजूद अमेरिकी सेनाओं को यहूदी राष्ट्र की रक्षा के तुरंत आदेश दिए हैं, जिसके बाद अमेरिकी सेनाओं ने कई ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। पेंटागन प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिकी नेवी विध्वंसकों ने ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों को मार गिराया। इसराइल पर ईरान के हमले के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान ने इसराइल पर जितनी भी मिसाइलें दागी थी उनमें से ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर दिया गया। इस वजह से जमीनी स्तर पर इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ईरान के इस हमले को नाकाम कर दिया। खैर, इसराइल का आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम अपनी अचूकता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अप्रैल महीने में भी जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया था तो उस समय भी एक्टिव आयरन डोम ने मिसाइलों को मार गिराया था। इस बार भी आयरन डोम ने मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसराइल में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, उसे लेकर कॉमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।